क्लास एट मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ गए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन है वो फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। क्या करता है? 6 आवर में 840 बॉटल्स को फिल करता है। क्या ऑटो सिस्टम होता है? इसमें क्या होता है कि एक एक बोतल आगे बढ़ दे, आपने देखा ही होगा वीडियो में, टीवी पे या मोबाइल में, कि किस तरह से सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री का बोतल फिलअप होता है, आपको मालूम ही होगा। तो 6 आवर्स में 840 बोतल्स ये क्या करता है? फिल करता है। हाउ मेनी बोतल्स विल फिल इन 5 आवर? तो पूछता है कि 6 आवर में 840 बोतल फिल हो रहा है तो 5 आवर में कितना बोतल फिल होगा? ये क्वेश्चन जो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी आपने ऊपर से अभी तक देखा है, सभी क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर ही है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इसलिए डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से ही हम इसको, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड आपने पहले से पढ़ा हुआ है, उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको आइडिया भी आ गया होगा कि इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो इसको आपको यूनिटरी मेथड से सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन रूल से ही सॉल्व करना है। अब देखिए, लेट टोटल नंबर ऑफ बोतल फिल्ड इन 5 आवर। मान लेते हैं हमको, सपोज कर लेते हैं हमको 5 आवर में जो बोतल फिल हो रहा है वो एक्स है, क्योंकि 5 आवर के नंबर ऑफ बोतल जो है हमको जो फाइंड आउट करना है वो क्या है कि हाउ मैनी बोटल विल फिल इन 5 आवर, 5 आवर में कितने बोटल फिल होंगे। तो हम सपोज करते हैं कि हमारा जो है एक्स नंबर ऑफ बोटल्स क्या होंगे, फिल होंगे। ठीक है, तो लेट टोटल नंबर ऑफ बोटल फिल इन 5 आवर एक्स नंबर। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ टेबल वी हैव, हम इसको क्या करते हैं कि टेबल के फॉर्म में इसको हम बना लेते हैं। ठीक है, टेबल के फॉर्म में बनाने में हमको ईजी भी हो जाता है, फाइंड आउट करना भी इजी हो जाता है, तो इसलिए टेबल के फॉर्म में कर लेते हैं। तो वी हैव क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बोतल फिल्ड एंड नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, आवर्स और बोतल ही है कि 6 आवर में इतने बोतल फिल हुए, तो 5 आवर में कितने बोतल फिल होंगे, ये क्वेश्चन ही है। तो नंबर ऑफ बोतल एक साइड ले लिए और आवर्स को एक साइड में ले लिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ बोतल फिल्ड कितना, 840 बोतल्स को 6 आवर में फिल हो रहा है, तो 840 हमने बोटल्स दे दिया और आवर्स में हमने 6 कर दिया। ठीक है, अगला क्या है, नंबर ऑफ आवर्स 5 है, 5 आवर्स में हमसे पूछता है कि कितने नंबर ऑफ बोटल फिल होंगे, तो यहाँ पे हमने जो एज्यूम किया हुआ है, सपोज किया हुआ है, उसको हम यहाँ पे लिख दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपका ये जो टेबल फॉर्म है इसको देख के आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस टेबल फॉर्म को आपको आपने कई बार सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फॉर मोर नंबर ऑफ आवर्स, जितने आवर्स बढ़ेंगे मोर वुड बी द नंबर ऑफ बोतल फिल्ड। ठीक है, जितने ज़्यादा टाइम देंगे हम उतने ज़्यादा बोतल फिल होंगे। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको ये बताना है कि ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सो इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये मैंने आपको पहले बोला था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्या है वो आपको खुद को एज्यूम करना पड़ेगा कि 1 आवर में कितने, 1 आवर में हमने 5 बोतल फिल किए तो 2 आवर में निश्चित है 10 करेंगे, 3 आवर रहेगा तो 15 करेंगे, यानी ये कुल मिला के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो वो एज्यूम आपको खुद को करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। ठीक है, सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन से लिख दिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 840 बाय 6 इक्वल टू एक्स बाय 5। ठीक है, 840 बाय 6 इक्वल टू एक्स बाय 5 ये होता ही है, तो क्या हो जाएगा, 6 और x को 840 और 5 को एक साइड मल्टीप्लाई किए, 6 और x को दूसरे साइड में कर दिए, इक्वल टू रखिए, अब x को एक ही साइड रखते हैं और 6 को दूसरे साइड में ले लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या होगा, 840 इंटू 5 बाय 6, 6 वन जा 6 और 6 140 जा 840 हो जाएगा, 840 इंटू 5 इक्वल टू 700, यानी 700 नंबर ऑफ बोतल फिल होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 700 हो गया या 700 नंबर हो गया। ठीक है, तो सो 700 बोतल विल
फील, ठीक है, क्या होगा, फील नहीं लिखा मैंने, विल फील इन 5 आवर, 5 आवर में कितने होंगे, 700 बोतल फील होंगे, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, अभी आप इसके आदतन हो गए हैं, ठीक है, आपको ये समझ में आते जा रहा है, तो ये कोई हार्ड नहीं है, ठीक है।